जी नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर। सो आज हम लोग रीजनिंग ये सब्जेक्ट्स का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसमें कैसा कैसा सिलेबस रहेगा, कौन से एग्जाम्स में रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे SSC का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, तो ये सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में हम लोग कोई एक टॉपिक लेके उसको आगे बढ़ेंगे। मतलब जस्ट लाइक कि हम लोग किस तरीके से रीजनिंग में, जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए रीजनिंग ये सब्जेक्ट नया होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना तो कोई ग्रेजुएशन में आता है, ना तो कोई 11th 12th में आपने कभी सुना होता है। ये डायरेक्टली या तो आएगा कोई एंट्रेंस एग्जाम में, या तो फिर ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, सो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे सेशन समरी आपको दिख रहा है। इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस होता है, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी एनालिटिकल रीजनिंग। तो इनइक्वलिटी ये एक चैप्टर है जो कि एनालिटिकल रीजनिंग के अंडर आता है। सो इस टॉपिक का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब उसी चैप्टर्स के हम लोग कुछ क्वेश्चन भी मतलब डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हम लोग सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए कि ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, और ये चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे होता हूँ, ये सब कुछ आपके चैप्टर्स हैं। और रेलवे में ये चैप्टर पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, बैंकिंग में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, तो ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। इसका PPT भी, सॉरी PPT मैं बोल रहा हूँ, PPT तो सेंड किया ही जाएगा आपको, उसके साथ साथ आपको PDF भी सेंड किया जाएगा। सो आप निश्चिंत रहिएगा, ये पूरा वेरिफिकेशन आपको पूरा प्रॉपरली बताया जाएगा। उसके बाद में ये भी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि तीनों एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हम लोग आते हैं इनइक्वलिटी पे। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखेंगे कि रीजनिंग एक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट रीजनिंग के बारे में देखते हैं हम लोग। तो रीजनिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखता हूँ, इसके एक्चुअल में चार पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। इसका स्लाइड नहीं बनाया मैंने, चलो ठीक है ऐसे ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद में होता है एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि आज हम लोग इसी का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में होता है लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद में होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अब बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग में सिर्फ आपको वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग SSC की बात करेंगे तो वर्बल रीजनिंग भी रहेगा, एनालिटिकल भी रहेगा, लॉजिकल भी रहेगा, और नॉन वर्बल भी रहेगा, सेम एज इट इज। रेलवे में भी ऐसे ही रहेगा, सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे इन सब, लेकिन बैंकिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। अब वर्बल रीजनिंग में कौन से चैप्टर आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन से चैप्टर आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में कौन से चैप्टर आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कौन से चैप्टर आते हैं, तो इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग में जो इनइक्वलिटी चैप्टर होता है वो क्या होता है, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वलिटी। अब देखो, हमको इनइक्वलिटी का मतलब, इसको अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है असमानता। अब इक्वल, अब इसमें ये जो इक्वल है, EQUAL, तो इक्वल हम लोगों ने सुना, इक्वल का मतलब होता है समान, मतलब सेम है। ठीक है, और इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमान। तो अगर हम, मैंने तो बताया कि मान लो कि ये एक एलिमेंट है, ये बी एक एलिमेंट है, या फिर ए नाम का एक पर्सन है, बी नाम का एक पर्सन है, लेट्स से कुछ भी बोल सकते हैं, तब ये दोनों अगर असमान है, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो ये हम लोगों ने कैसे बताया, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों ने उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कंपेरिजन किया गया हो, है ना, क्या किया होगा, कंपेरिजन किया होगा। तो ये असमानता हम लोगों ने किससे बताया, कंपेरिजन करके बताया। अब
कंपैरिजन किस तरीके का हो सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर दो इंसान है तो वो इंसान अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, या तो ठीक ठाक हो सकता है ना। या फिर हम लोग दो मिठाइयों के बीच में अगर कंपैरिजन करते थे, नहीं ये थोड़ी सी मीठी है, वो बहुत ज़्यादा मीठी है ना, इसमें ये है वो है, ऐसा कुछ कंपेरिजन कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें कंपेरिजन का मतलब क्या होता है? तो इसमें कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे, आपको देखो सिम्बॉल से कुछ, एक तो होता है ग्रेटर देन, ये आपको पता है, ये होता है स्मॉलर देन, और ये होता है इक्वल्स टू। ठीक है, या तो ए बड़ा हो सकता है, मैं यही पे लिखता हूं इसको, ठीक है, ए या तो बड़ा होगा, ए या तो छोटा होगा बी से, और ए या तो ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल है। तो यही तीन ही कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें इसी सिंबल्स को क्या बोला जाता है? डेफिनेट सिंबल। क्या बोला जाता है? डेफिनेट सिंबल। ठीक है, अब ये प्रॉपरली इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो जिनका भी ऑफलाइन क्लासेस है, जो भी गारंटी कोर्स लेंगे, उनको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बुक्स तो आपको उसके साथ साथ मिलने ही वाले हैं। ठीक है, सो फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिएगा, आप अभी लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर जिसको लिखना भी है तो वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, मतलब दोनों असमान है, इनइक्वल है। देन असमानता हम लोगों ने किससे बताया? तो हम लोगों ने दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। कंपैरिजन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें हम लोग क्या कंपैरिजन करने वाले हैं? तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू, मतलब कोई चीज बड़ी हो सकती है, कोई चीज छोटी हो सकती है, कोई चीज उससे समान हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिनेट सिंबल। लेकिन अब इसी तीन सिंबल के थ्रू हमारे पास और भी दो सिंबल्स, तीन सिंबल्स बने हैं, इन दोनों सिंबल्स को मिला के यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। चलो ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है? आइदर ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को मिला के बनाया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल। देन उसके बाद में सेम एज इट इज, इन दोनों को मिला के बनाया हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है? आइदर स्मॉलर और इक्वल्स टू। क्लियर है? उसके बाद में एक और सिंबल आपको देखने मिलेगा, तो ये है नॉट इक्वल्स टू, मतलब जो कि इक्वल नहीं है, तो या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। अब इन्हीं तीन सिंबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इनडेफिनेट सिंबल बोलेंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, असमानता किससे पता करी है? हम लोगों ने कंपैरिजन के थ्रू पता किया है। कंपैरिजन के डेफिनेट सिंबल आप लोगों ने देखे हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू, बड़ा छोटा समान। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने इन तीन सिंबल्स के बदौलत ही यहाँ पे भी तीन सिंबल इनडेफिनेट वाले बने हैं, तो वो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आइदर ग्रेटर और इक्वल उसका मतलब होता है। देन उसके बाद में स्मॉलर देन इक्वल्स टू, आइदर स्मॉलर और इक्वल उसका मतलब होता है, और एक है नॉट इक्वल्स टू। तो ये है इस चैप्टर का पूरा बेसिक। तो यहाँ पे मैं ये भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई चीज़ बड़ी या तो इक्वल हो सकती है, कोई चीज़ छोटी या तो इक्वल हो सकती है, या फिर कोई चीज़ नॉट इक्वल, मतलब या तो बड़ी या तो छोटी हो सकती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो अब हम लोग देखेंगे कि ये कंपैरिजन, उससे कंपैरिजन से आने के पहले उससे मैं थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, या तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब देखो इसके अलावा भी क्या होता है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिम्बॉल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5 एंड 6, ये सिंबल हम लोगों ने देखे। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सिंबल्स देखने मिलते हैं, जस्ट लाइक कि अगर मान लो कि कोई चीज बड़ी नहीं है, इस तरीके का सिंबल, तो कोई चीज बड़ी नहीं है तो क्या होगी? या तो वो स्मॉलर होगी या तो वो इक्वल हो जाएगी। फिर तो तीन ही चीजें है ना बोलने के लिए, या तो बड़ा या तो छोटा या तो इक्वल, राइट? अब कोई चीज छोटी नहीं है तो क्या होगा फिर? या तो वो बड़ी हो सकती है या तो वो इक्वल हो सकती है। अब कोई चीज छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है तो क्या होगी? ऑब्वियसली वो इक्वली होगी। ठीक है, अब कोई चीज छोटी बड़ी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो क्या हो जाएगी फिर? स्मॉलर ही हो जाएगी। इसका मतलब ये सिंबल का मतलब ये होगा, आपको वहां पे दिख रहा है। ठीक है, अब कोई चीज छोटी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगी? वो बड़ी हो जाएगी। अब कोई चीज इक्वल नहीं है तो वो या तो छोटी या तो बड़ी।
मतलब सेम यही वाला, मतलब यह है जो मैंने बताया था वो ये और ये सेम ही हो गया ना। अच्छा ये नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए था क्योंकि कोई चीज बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं। तो अब देखो एग्जामिनर इन सिंबल्स, ये सिंबल तो आप जानते हो जो कि डेफिनेट और इनडेफिनेट है। यहाँ पे ये तीन जो है वो डेफिनेट है और यहाँ पे ये तीन जो है क्या है इनडेफिनेट है। तो ये सिंबल्स को तो आप लोग जानते हो, लेकिन इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से पूछे, तो ये सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा सिंबल का इस्तेमाल किया गया तो डरना नहीं है, हम लोगों को पता है कि कोई चीज़ ग्रेटर नहीं है तो वो स्मॉलर या तो इक्वल हो सकती है, कोई चीज़ स्मॉलर नहीं है तो वो ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, कोई चीज़ बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है तो वो चीज़ इक्वल हो सकती है। उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल्स टू कोई नहीं है तो वो स्मॉलर ही होगी, स्मॉलर देन इक्वल्स टू कोई नहीं है तो वो ग्रेटर ही होगी, और नॉट इक्वल्स टू है तो या तो बड़ी या तो छोटी, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, तो ये जो था कि बेसिक हम लोग बोल सकते हैं कि इनइक्वलिटी के बारे में। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैं 10 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। वो असमानता हम लोगों ने कैसे पता करी, तो हम लोगों ने क्या किया, कंपेरिजन किया। मैंने बताया था कि कंपैरिजन के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ऐसे डेफिनेट और इनडेफिनेट दो सिंबल्स थे, है ना। अब उसके बाद में हम लोगों ने आए थे कंपेरिजन पे। तो अब हम लोग आगे के स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो आगे के स्लाइड पे आपको यह दिख रहा है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपेरिजन, कि कंपैरिजन के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको शायद दिख रहे 14 कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको बताने से पहले मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स है, नोट है हम लोग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि जिससे हमारा मतलब ये तीन नोट्स है यहाँ पे, मैजिकल नोट्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे थ्री नोट्स लिखता हूँ। ठीक है, थ्री नोट्स है, इसमें का नोट वन है। अब नोट वन में देखो क्या बोला गया है, अगर ये तीन नोट्स आपको दिमाग में अच्छे से बैठ गए तो इसके बाद में मतलब यही तीन नोट्स के बदौलत ही हम लोग पूरा इनइक्वालिटी समझ सकते हैं। आपका आधा आधा हम लोग क्या 75% चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है अगर ये तीन नोट्स आपको समझ गए। तो अब क्या बोला गया है कि व्हेनेवर एनी सिंबल, क्या बोला गया, व्हेनेवर एनी सिंबल्स इज कंपेयर्ड विथ इटसेल्फ द सेम सिंबल विल कम एज आउटपुट। नीचे हिंदी में भी लिखा गया है, जब भी किसी प्रतीक की तुलना स्वयं से की जाएगी तो आउटपुट में वही प्रतीक निकल के आएगा। मतलब अगर हम लोग और भी इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें तो किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से उसके खुद से हो तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आता है। क्लियर है, यही बोला गया था। तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन के साथ होगा तो क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन निकल के आएगा। उसके बाद में स्मॉलर देन का स्मॉलर देन के साथ होगा तो स्मॉलर देन ही निकल के आएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू के साथ होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा। तो ये नोट हम लोगों को ध्यान में रखना है, बस जितना सिखाया जा रहा है उतना ध्यान में रखो। आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कंपैरिजन कैसे करना है, क्यों करना है, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो। अपने आप जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको समझ जाएगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें बताई है, तो जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको आंसर भी निकल जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना है, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से हो मतलब स्वयं से हो तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नोट की तरफ। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए, नोट टू है, बोला गया कि व्हेनेवर एनी सिंबल इज कंपेयर्ड विथ इक्वल्स टू, व्हेनेवर एनी सिंबल इज कंपेयर्ड विथ इक्वल्स टू देन द अदर सिंबल एक्सेप्ट इक्वल्स टू विल बी वन दैट विल कम एज आउटपुट। अब इसको हिंदी में भी लिखा गया है, आप ये देख सकते हो, आपके पास इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये जो सेम किया है ये इसका पीपीटी भी मिल जाएगा आपको, तो उसके बारे में निश्चिंत रहिएगा। और ऑफलाइन क्लास जो कर रहे हैं और जो मतलब ऑफलाइन क्लास करने वाले उनको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। बुक्स तो आपको सभी को, दोनों को, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन का दोनों को बुक्स मिलने वाले हैं। डिफरेंस यही है कि ऑफलाइन क्लास में जो बुक्स है वो 13 पेयर्स मिलने वाले हैं, 13 बुक्स का एक सेट है, और ऑनलाइन क्लास के लिए 3 बुक्स का एक सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा गया है कि ये तो किताबी लैंग्वेज है, मैं आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
कि जब भी किसी भी सिंबॉल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा। सिंबॉल कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास सिंबॉल है सिक्स, मैंने बताया था, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब इनमें से किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अगर इक्वल्स टू के साथ होता है तो इक्वल्स टू को छोड़ के जो दूसरा वाला सिंबल रहेगा जिसके साथ कंपैरिजन इक्वल्स टू का किया गया है वही आउटपुट के तौर पर बाहर निकल के आएगा, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। जब भी किसी प्रतीक की तुलना इक्वल्स टू से की जाएगी तो इक्वल्स टू को छोड़कर बाकी प्रतीक ही निकाला जाएगा, मतलब इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल आउटपुट के तौर पर बाहर निकल के आएगा। तो उसके एग्जाम्पल भी आपको नीचे दिख रहा है, देखो ग्रेटर देन का अगर इक्वल्स टू के साथ होता है तो ग्रेटर देन ही निकल के आ रहा है, इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल, देन स्मॉलर देन का इक्वल्स टू से हो रहा है तो स्मॉलर देन निकल के आएगा, स्मॉलर देन का दूसरा वाला सिंबल, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू से होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही निकल के आ रहा है, इक्वल्स टू से दूसरा वाला सिंबल। अब नीचे दिया गया आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, देखो कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू के साथ होगा तो आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा। तो ये हमारा दूसरा नोट था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू को छोड़ के, मतलब सॉरी, किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो ये हमारा नोट टू था, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते फिर हमारे नोट थ्री के तरफ, ये रहा हमारे सामने नोट थ्री। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लास्ट नोट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार आपको किताबी लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। वेन एवर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट सिंबल विद सेम डायरेक्शन आर कंपेयर्ड देन ओनली द डेफिनेट सिंबल विल कम एज आउटपुट। जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपेरिजन होगा तो डेफिनेट सिंबल ही आउटपुट पर निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा, आउटपुट पर निकल के आएगा, एक ही हो गया। अब डेफिनेट सिंबल आपको पता है कौन से, तो डेफिनेट सिंबल मैंने बताया था कि डेफिनेट सिंबल ये रहे आपके सामने, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ये डेफिनेट सिंबल थे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ये इनडेफिनेट सिंबल्स थे, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन वाली बात की गई है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, जैसे ये आपको दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन से है, मतलब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक ही दिशा से है कि नहीं, बराबर है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दोनों सेम डायरेक्शन से है, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन इक्वल्स टू है, सेम डायरेक्शन से। तो जब, और इसमें से ये क्या है, डेफिनेट सिंबल डी लिखता हूँ, और ये क्या है, आई डी, इनडेफिनेट सिंबल, ठीक है। अब ये डेफिनेट सिंबल है, इनडेफिनेट सिंबल है, तो जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपेरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर हमेशा क्या निकल के आएगा, डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। तो ये हमारा थर्ड एंड लास्ट नोट है। अगर आपको ये तीन नोट्स अच्छे से याद हो गए तो समझ जाना कि 75% इनइक्वलिटी, जो सिंपल इनइक्वलिटी होता है, वो पूरा का पूरा याद हो गया। इसका कोडेड इनइक्वलिटी में भी बहुत सारा कोडेड, मान लो कि 100% इनइक्वलिटी आपका हो गया अगर ये तीन नोट्स हो गए याद। तो हम लोगों ने फिर से, हम लोग आते हैं पहले नोट पे। तो पहले नोट पे हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपेरिजन अपने आप से हो तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आता है। ये हमारा पहला नोट था, आपके सामने है, इसका पीपीटी, पीडीएफ, सारा चीजें मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड नोट में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। ओके, क्लियर, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी है, ठीक है। देन थर्ड नोट में हम लोगों ने देखा कि जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट का कंपेरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीन नोट्स क्लियर हो चुके होंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। सो अब हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग पहले गए थे कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन, तो टोटल कंपैरिजन कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 14 टाइप्स के कंपैरिजन होते हैं। कितने होते हैं, तो 14 टाइप्स के। अच्छा, आपके यहाँ पे दिख रहे पूरे के पूरे कंपैरिजन, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज, हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। देखो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए और सी के बारे में क्या लिखूंगा, ए जो है वो बी से बड़ा है और बी और सी इक्वल है, तो क्या मैं इसको ए इज ग्रेटर देन सी लिख सकता हूँ, मतलब ए ऑब्वियसली बड़ा ही रहने वाला है। उसके बाद में मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी,
यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ए इज ग्रेटर देन सी ही निकल के आएगा। इतना तो आपको समझ ही रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो ए ऑब्वियसली सी से बड़ा ही रहने वाला है। दिख रहा है, मैंने आउटपुट निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। क्लियर? तो अब ये यहाँ पे देखो दो सिंबल है, तो दोनों को लगा के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी, तो इसका क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सिंबल लगा के देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड इक्वल्स टू सी, तो इसमें भी आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन सी। तो दोनों में भी अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो एक सिंबल था यहाँ पे, जो मैंने बताया था कि ये दोनों मिला के ये जो एक सिंबल आया था यहाँ पे, है ना, ये इक्वल्स टू भी यहाँ पे आया था। दोनों को अगर लगा के देखा तो आखिरी में मेरा आउटपुट क्या निकल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ए इज ग्रेटर देन सी ही निकल रहा है। इसको मिटा देता हूँ, चलो इतना रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब फिर से आते हैं हम लोग पहले नोट पे। जब भी सेम डायरेक्शन, मतलब जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा, तो आउटपुट के तौर पर वो वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर ये एक दिख रहा है, मैं पे देखो ये एक एग्जांपल दिख रहा है, आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आया, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन से हुआ तो ग्रेटर देन ही निकल के आएगा। फिर यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू से होगा तो क्या निकल के आएगा, फिर ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्मॉलर देन का स्मॉलर देन से होगा तो आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आएगा, ए इज स्मॉलर देन सी, मतलब वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। क्लियर? उसके बाद में और एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू से होगा तो क्या निकल के आएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही निकल के आने वाला है। तो ये हमारा था पहला नोट। क्या था, फर्स्ट नोट। मैंने बताया था कि फर्स्ट नोट के चार एग्जाम्पल थे। क्लियर है? जब भी सेम, सॉरी, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आने वाला है। क्लियर? सो पहला नोट क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूँ आपसे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने नोट बताया था, क्या बताया था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब यहाँ पे उसके भी एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देख ले। तो यहाँ पे देखिए आप उसके एग्जाम्पल, ये ग्रेटर देन का इक्वल्स टू के साथ होगा तो क्या निकल के आया, ग्रेटर देन ही निकल के आया, ये पहला एग्जाम्पल। देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू के साथ होगा तो क्या निकल के आएगा, हमें पता है इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा। क्लियर है? उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो स्मॉलर देन का इक्वल्स टू के साथ होगा तो फिर से वही बात, इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल बाहर निकल के आएगा। दिख रहा है आपको, सेम सिंबल आया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो ये हमारा था नोट टू, जिसमें नोट वन में फोर एग्जाम्पल थे, नोट टू में फोर एग्जाम्पल है। ये आपके सामने है, जो ग्रीन कलर में है नोट वन है, जो रेड कलर में वो नोट टू के एग्जाम्पल है। अब तीसरे नोट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, उसको कोई और कलर में लेते हैं। चलो लेट्स सी, हम लोग ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट, आउटपुट पर क्या निकल के आया, डेफिनेट सिंबल ही निकल के आया। फिर यहाँ पे आके देखते हैं सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो आउटपुट पे डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा, मतलब स्मॉलर देन ही निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद में ये दो ही एग्जाम्पल थे नोट थ्री के। अब बचे जो ये चार है, बचे जो हमारे जो चार कंपैरिजन दिख रहे हैं आपको, तो ये जो है इन इसके नो रिलेशन आएगा, कोई भी रिलेशन, कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी अपोजिट है और सब कुछ अपोजिट। क्लियर हो रहा है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनइक्विलिटी का मतलब, अब थोड़ा सा मैं एक और बार रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको, इतने बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वो एक बार याद हो गया तो उसके बाद में इस चैप्टर में आपको कभी भी कोई कमी नहीं जाएगी। मतलब ये चैप्टर के 5 क्वेश्चन जो लोग आते हैं, तो उसके आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये इतना फास्ट होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब इनइक्विटी का मतलब हम लोगों ने देखा कि असमानता होता है। असमानता हम लोगों ने कैसे पता किया, तो हम लोगों ने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास 6 सिंबल्स थे,
डेफिनेट और इनडेफिनेट मिला के 6 थे, डेफिनेट के 3, इनडेफिनेट के 3। डेफिनेट के सिंबल कौन से थे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू। एंड इनडेफिनेट के कौन से थे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। क्लियर। उसके बाद में मैंने देखा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन, और उसके बाद में मैंने 3 नोट्स के बारे में डिस्कशन किया। तो अब वो पहला नोट था कि जब भी कोई भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। दूसरा नोट मैंने बताया था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तीसरा नोट मैंने बताया था कि जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। और जो बचे ये जो 4 कॉम्बिनेशन थे, इसमें हमें क्या निकलता है? हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो रिलेशन, नो रिलेशन। क्लियर हो रहा है? तो ये था सब कुछ इनपुट आउटपुट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। तो जितना मैंने अभी तक बताया उतना ही याद रखो। अब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे भी। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इसमें 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो है स्टेटमेंट, एक तो दिख रहा है कंक्लूजन। क्या क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है स्टेटमेंट, एक दिख रहा है कंक्लूजन। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देख के कंक्लूजन सही है कि गलत है ये हम लोगों को बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट को देख के कंक्लूजन सही है कि गलत है ये हम लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही ध्यान रखो। देखो, आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आने के बाद हमको करना क्या है? तो सबसे पहला मेरा ध्यान जाएगा इन कंक्लूजन के ऊपर। किसमें जाएगा? कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। हमें एक चीज तो पता चल गई क्वेश्चन देखते से कि इनइक्वालिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पता चल जाएगा। उसके बाद में सीधा मेरा ध्यान जाएगा कंक्लूजन की तरफ। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही ध्यान रखो, आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा अभी समझ जाओगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है कि मेरे को जे से लेके कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुनो, वैसा ही याद रखो, वैसा ही एग्जाम में सॉल्व करना। जे से लेके कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। और आते वक्त, वापस आते वक्त क्या लेके आना है? स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। क्या बताया मैंने कि मेरे को जे से लेके बी तक जाना है, मतलब जर्नी करना है पहले तो, और आते वक्त क्या लेके आना है? स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है? दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि पहले मेरे को जर्नी करना है। तो चलो, मेरे को जे से बी जाना है, तो अब ये स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ से रेलवे का डब्बा टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, कनेक्टिंग नहीं है। ठीक है, अब मेरे को जाना कहाँ पे है? जे से स्टार्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पे दो दो जे दिख रहे हैं, तो मैं कौन से जे से स्टार्ट करूंगा? अब दो जे अगर दिखते हैं या फिर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे दिखते हैं तो हम लोग सीधे सीधे आएंगे किस पे? बी पे। कि मेरे को पहुंचना कहाँ पे है? बी पे। तो बी पे पहुंचने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं ए के थ्रू बी के पास पहुंच सकता हूँ, या तो मैं डी के थ्रू बी के पास पहुंच सकता हूँ। अब मेरे को देखना है कौन सा ऐसा जे है कि जो डी के पास पहुंचता है कि ए के पास पहुंचता है। तो मुझे एक चीज पता चली कि जे एकमात्र ये जे है कि जो डी के थ्रू हम लोग बी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जे से हम लोग के चले जाएंगे, क्योंकि जे से हम लोग के ही जा सकते हैं, जे से कहीं नहीं जा सकते। या तो होगा तो सेम एलिमेंट से कनेक्ट होगा, या तो होगा ही नहीं। तो इतना कंफ्यूज नहीं होते हम लोग, एक काम करते, इसको एक चीज तो आपको पता चल गई कि मेरे को क्या करना है, इसी जे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मेरे को पहले यहाँ से जाना पड़ेगा जे से डी, और फिर डी से डी को कनेक्ट करना पड़ेगा, और डी से डी जाना पड़ेगा। अब मेरी ये जर्नी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो आपको ये डी से डी कनेक्ट वाला सिस्टम भी समझ गया होगा कि डब्बे टूटने के बाद सेम एलिमेंट से ही कनेक्ट होगा। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि अब जैसे देखो, ये अगर ये डायरेक्शन हम लोग देखेंगे तो ये हमारे तरफ से अगर हम लोग सोचेंगे तो ये सीधा डायरेक्शन है ना? सीधा डायरेक्शन इन द सेंस लेफ्ट टू राइट। सीधा कैसे? क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तब भी लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से जाएंगे तो ये मेरे लिए क्या हो गया? राइट टू लेफ्ट हो गया ना। फिर तो देखने के लिए तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन एरो देखिए है ना। अब ये मेरे लिए क्या है? उल्टा है, क्योंकि अभी कभी भी हम लोग राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ते आते, कभी भी हम लोग लेफ्ट राइट से लिखना नहीं चालू करते हैं।
तो ऐसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सीधा जाएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो उल्टा आएंगे, तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? अब इसमें ध्यान रखेंगे कि जब मैं जे से डी गया तो मैं उल्टा गया, फिर डी से डी को कनेक्ट किया, फिर डी से बी जब गया तो सीधा गया। अब सीधे उल्टे में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेसिक चीज है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हो सीधा क्या होता है उल्टा क्या होता है, राइट। ओके, तब इसमें उल्टा जाएंगे तब एक ही चीज ध्यान रखना है कि साइन क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा इन द सेंस क्या कि ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा, देन स्मॉलर देन का क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। लेकिन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहेगा, इक्वल्स टू का नॉट इक्वल्स टू मत कर देना। क्लियर है? साइन कब चेंज करना है? जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जर्नी करते रहेंगे तो उस समय पे साइन को क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो, मैंने सबसे पहले कंक्लूजन पे आने के लिए बताया, कंक्लूजन आने के बाद मेरे को जे से लेके बी तक जाना है, और आते वक्त क्या लेके आना है, तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। फिर मेरा कंक्लूजन का काम खत्म हो गया, मतलब मैंने यहाँ से नजर उठा के हमारे स्टेटमेंट पे ला लिया, मेरे पास दिमाग में आ गया कि मेरे को जे से बी जाना है। तो सबसे पहले मैंने काम किया कि जे से बी कैसे पहुंच सकते, ये देखा, तो मेरे पास दो दो जे दिखे मेरे पास। अब जे से के जाऊंगा तो के से कनेक्ट करने के लिए कोई भी एलिमेंट था ही नहीं, मतलब मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता, तो मैंने फिर इस जे से लिया, जे से डी गया, डी से डी को कनेक्ट किया और डी से बी गया, मतलब मेरी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद में मैंने बताया कि जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज कैसे करेंगे तो ये भी आपके सामने मैंने बताया है। क्लियर है? इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहेगा, बाकी अपोजिट तो आपको पता ही है, बड़ा का छोटा, छोटा का बड़ा, ये होता रहेगा। अब देखो, यहाँ पे मैं जे से जब डी जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उल्टा जा रहा हूँ, बराबर है? तो उल्टा जा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे साइन भी चेंज होगा, मतलब स्मॉलर देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, मेरा दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरा काम कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। क्या करना है? दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे होगा? तो आपको कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन करते समय क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? कंपैरिजन करते समय वही तीन नोट्स ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, वही तीन नोट्स। जब भी किसी भी सिम्बॉल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो वही सिम्बॉल बाहर निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल बाहर निकल के आएगा। तीसरा मैंने बताया था, सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर हमेशा डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का कंपेरिजन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इसके लिए मेरे को नोट टू याद करना पड़ेगा, जब भी किसी भी सिंबल का कंपेरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो दूसरा वाला सिंबल कौन सा है? तो ग्रेटर देन, यही सिंबल बाहर निकल के आया है, और मेरे को लाना क्या था? मेरे को लाना था स्मॉलर देन इक्वल्स टू, मतलब मैं लेके आया क्या, नहीं लेके आया, इसलिए ये डज नॉट फॉलो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ पे सिंबल होता ग्रेटर देन तो ये क्या हो जाता, फॉलो हो जाता, राइट हो जाता। ठीक है, सेम काम करेंगे हम लोग अभी दूसरे एग्जाम्पल पे। तो मेरे को के से लेके कहाँ तक जाना है? मेरे को के से जाना है ए तक। ठीक है, अब के से जाना है ए तक, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, अब फिर वही बात कि यहाँ पे जर्नी करना पड़ेगा, के से ए जाना पड़ेगा, तो के मेरे पास एक है तो ऑब्वियसली वही के से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो के से मैं एक ही जगह जा सकता हूँ, जे। ठीक है, फिर जे कहाँ दिख रहा है? जे से जे को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर जे से जाऊंगा मैं डी, क्योंकि जे से एक ही जगह जा सकता हूँ। फिर डी से डी को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर डी से जाऊंगा बी, फिर बी से बी को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर बी से जाऊंगा ए। तो देखो, मतलब जर्नी जो है वो लंबी है थोड़ी सी, धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं आगे। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि बीच से हम लोग किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते, डब्बे टूटे हैं, कनेक्ट करने के लिए सेम एलिमेंट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर वही काम किया हम लोगों ने, के से लेके ए तक पहुंचा, तो के से मेरे को एक चीज पता थी, जे तक जाना था, जे तक पहुंचना था, जे से जे को कनेक्ट किया, जे से डी गया, डी से डी को कनेक्ट किया, डी से बी गया, बी से बी को कनेक्ट किया और बी से ए गया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा काम मेरा क्या रहेगा कि जब भी सीधा जाएंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, उल्टा आ रहे होंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो देखेंगे उल्टा कहाँ कहाँ आए थे। तो सबसे पहले तो मैं उल्टा यहीं पे आया था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उल्टा आ रहे हैं। फिर से ये उल्टा आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही हो जाएगा। यहाँ सीधा जा रहे, अब यहाँ पे उल्टा भी आते तो इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहता। मैंने बताया था इक्वल्स टू का कोई भी साइन नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे इक्वल्स टू ही। ठीक है, अब तीसरा काम हमारा क्या है, तो कंपैरिजन करना है। जिस सीक्वेंस से आए थे उसी सीक्वेंस से कंपैरिजन करते चलेंगे। वैसे किसका भी किसी से कंपैरिजन किया तो आंसर वही आने वाला है, लेकिन वही है कि कंफ्यूजन होने से ज्यादा बेटर है, शुरुआत है तो हम लोग वैसे ही इससे करते हैं। तो पहले मैं के से जे गया तो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू था। फिर मैं जे से जे को कनेक्ट किया, डी से डी गया तो मेरे पास ग्रेटर देन था। तो सबसे पहले कंपेरिजन तो इन दोनों के बीच में होगा, तो इसके लिए मेरे को कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबॉलिक बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो डेफिनेट सिंबॉलिक बाहर निकल के आएगा, मतलब कौन सा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे वही है कि क्या हुआ है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, हाँ स्मॉलर देन, हाँ सॉरी ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे अब दोनों का कंपैरिजन होगा, आउटपुट क्या निकल के आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन ही निकल के आएगा। क्लियर, अब इस ग्रेटर देन को लेके आगे बढ़ूंगा मैं, पहुंच कहाँ तक गया, डी तक पहुंच गया। फिर डी से डी को कनेक्ट किया और डी से बी गया तो मेरे पास सिंबल कौन सा था, इक्वल्स टू था। फिर मेरा कंपेरिजन किसके साथ होगा, इक्वल्स टू के साथ होगा। तो फिर मेरे को कौन सा नोट याद करना पड़ेगा, दूसरा वाला नोट याद करना पड़ेगा, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो फिर दोनों में कंपैरिजन होगा, आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आया, फिर से ग्रेटर देन निकल के आया। इस ग्रेटर देन को लेके मैं आगे बढ़ा, अब मैं बी तक पहुंच गया था, बी से बी को कनेक्ट किया और बी से फिर ए गया, तो ए जब गया तो मेरे पास सिंबल क्या आया, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, लेकिन ये उल्टा जा रहे थे इसलिए वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर मैंने इन ये जो बचा वाला निकला था सिंबल, इसको कंपेयर किया इससे, तो फिर वही काम करना पड़ेगा, यही जो मैंने बताया, सेम, जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपेरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। तो इन दोनों का कंपेरिजन होगा तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन ही निकल के आएगा, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, सो मेरा आंसर क्या हो गया, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर हो रहा है, तो देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूँ, और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर टू है। सेम काम करेंगे हम लोग उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, कंक्लूजन की तरफ जाने वाला है। तो मेरा कंक्लूजन की तरफ ध्यान गया, तो कंक्लूजन में मैंने ये देखा कि मेरे को टी से कहाँ जाना है, एन जाना है, और आते वक्त क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। टी से एन जाना है और आते वक्त क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो देखो यहाँ से भी डब्बा टूटा है, यहाँ से भी अलग अलग डब्बे हैं, सबके कनेक्ट करने के लिए सेम एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, फिर से हम लोग जर्नी पहले करते हैं, टी से एन जाना है तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, दो टी दिख रहा है ना। तो अब यहाँ से टी से एम, एम से क्यू, क्यू से टी भी, एन भी जा सकते हैं, या तो सीधा सीधा टी से एन भी आ सकते हैं। तो अब दोनों बार जब मैं आया टी से, अब देखो टी से डायरेक्ट एन नहीं आया मैं, पहले टी से क्यू गया, क्यू से एन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक सिंगल डब्बे में बैठे सब लोग, ठीक है। यहाँ पे ये डब्बा अलग है, ये डब्बा अलग है, यहाँ पे सिंगल डब्बे में बैठे तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा काम क्या रहेगा, मैं उल्टा आ रहा हूँ तो मेरे को दोनों के साइन चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों के साइन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर देन हो जाएगा और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। अब दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो इसके लिए मेरे को फिर से थर्ड वाला नोट याद करना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था कि वो तीन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंक्लूजन को हम लोग अगर राइट करते हैं तो वही तीन में से एक नोट का हाथ रहेगा उसमें, और किसी भी कंक्लूजन को अगर हम लोग गलत करते तो उसी तीन नोट्स में से किसी से ना किसी से वो गलत होगा। क्लियर, तो अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो हम लोगों को पता है कि डेफिनेट सिंबल और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा सेम डायरेक्शन वाले, तो डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पे स्मॉलर देन ही निकल के आने वाला है। और यहाँ पे है क्या स्मॉलर देन, यहाँ पे स्मॉलर देन है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, टी इज स्मॉलर देन एन हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेरे को यही साइन यहाँ पे चाहिए था। क्लियर हो रहा है सभी को, आगे बढ़ते हैं सेम एज इट इज एग्जाम्पल को लेते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एन से कहाँ जाना है, पी जाना है, आते वक्त क्या लेके आना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। क्या करना है, एन से पी जाना है, आते वक्त ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। तो एन से पी जाने के लिए हमारे पास फिर वही है काम,
एन से पी, तो पी के पास जाने के लिए दो तरीके, या तो मैं क्यू के थ्रू पी के पास जा सकता हूँ, या तो मैं एम के थ्रू पी के पास जा सकता हूँ। अब एन कहाँ है, तो यहाँ पे एन है, तो पहले तो मैं एन से क्यू जाऊंगा, ठीक है, क्यू से क्यू को कनेक्ट करूंगा, फिर क्यू से मैं कहाँ जाऊंगा, पी जाऊंगा, ये मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब देखो एन से क्यू जब गया तो मैं सीधा गया, तो यहाँ पे साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जब मैं क्यू से पी गया तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। ये साइन क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। फिर मेरा काम होगा कंपैरिजन का, तो कंपैरिजन आपको पता है कि इसका और इसका कंपैरिजन होगा, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नोट वन याद करना पड़ेगा, जो कि बोलता है जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से हो तो वही सिंबल बाहर निकल के आता है। क्या निकल के आएगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही निकल के आएगा, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली टू इज राइट, राइट या फिर ट्रू या फिर फॉलो, जो भी होगा। क्लियर है, समझ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ रहा होगा। फिर भी मैं आपको और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसी के ऊपर, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। सो इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से हम लोग, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि और हम लोग कैसे कर सकते हैं कि डी से कहाँ जाना है, सी जाना है, वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको बोलना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। डी से कहाँ जाना है, सी जाना है, आते हो क्या लेके आना है, स्मॉलर देन का साइन लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे एक बंद है, यहाँ पे भी बंद है, समझ में आ रहा है। अब मेरे को शुरुआत करनी है डी से और जाना है सी से, सी तक। अब मेरे पास दो दो डी है, या तो डी से ई जा सकते हैं या तो डी से बी जा सकते हैं, लेकिन अब जब भी ऐसा पता चले कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो दो दो है, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, तो मुझे याद रखना है कि सेकंड एलिमेंट पे ध्यान रखेंगे। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, सी, मेरे को पहुँचना कहाँ पे, सी पे। तो सी पे पहुँचने के लिए या तो मेरे को बी के पास पहुँचना पड़ेगा, या तो मेरे को ए के थ्रू जाना पड़ेगा, मैं दूसरे किसी के थ्रू सी तक नहीं पहुँच सकता। अगर मैंने इस डी को लिया तो डी से ई गया, तो ई से ई को कनेक्ट करने के लिए तो कुछ मिला ही नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं जाने वाला। मैं कौन से वाले ए से जाऊँगा, सॉरी बी से जाऊँगा, इस डी से जाऊंगा, डी से बी जाऊंगा, बी से बी को कनेक्ट करूंगा और बी से सी जाऊंगा। क्लियर हो रहा है, तो डेस्टिनेशन कंप्लीट। उसके बाद में मेरा दूसरा काम क्या है कि सीधा जाएंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, उल्टा जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। तो उल्टा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्यू रहेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर देन हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरा काम है कि मेरे को क्या करना है, कंपैरिजन करना पड़ेगा किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा, और इनका कंपैरिजन करने के लिए मेरे को फिर से पहला वाला नोट याद करना पड़ेगा। जब भी इससे किसी भी सिंबल का कंपैरिजन सेम डायरेक्शन से, मतलब उसी से अपने आप से होगा, तो आउटपुट पे वही सिंबल बाहर निकल के आएगा, मतलब यही सिंबल निकल के आया और मेरे पास यहाँ पे भी वही सिंबल था, इसलिए मेरा पहला वाला बिल्कुल राइट है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ रहा होगा अभी आपको। फिर से मैं आता हूँ सेकंड इस पे, सेकंड कंक्लूजन पे, तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि ए से कहाँ जाना है, ई तक जाना है, और आते वक्त क्या लेके आना है, तो ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो अब मैं शुरुआत करूँगा ए से ई तक जाने के लिए, तो सबसे पहले ए तो एक ही है, तो वही ए से शुरुआत होगी, और ई के पास पहुँचने के लिए मेरे को डी के पास पहुँचना पड़ेगा, और डी के पास पहुँचने के लिए मेरे को बी के पास पहुँचना पड़ेगा। मैं ए को बी तक पहुँचा सकता हूँ, फिर बी से बी को कनेक्ट करूँगा, B से D जाऊंगा, D से D को कनेक्ट करूंगा, D से E चले जाऊंगा, तो मेरी A से E तक जाने की जर्नी जो है वो खत्म हो गई। उसके बाद मेरा काम क्या है कि उल्टा और सीधे पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे तीनों बार मैं सीधा ही आ रहा हूँ, तो साइन चेंज करने की तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधा कंपैरिजन करते चलेंगे हम लोग। कंपैरिजन देखो इस तरीके से होगा कि पहला कंपैरिजन होगा इक्वल्स टू का ग्रेटर देन के साथ, तो इसके लिए मेरे को सेकंड नोट याद करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा, तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन ही निकल के आएगा, इसको लेके आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। फिर मैं डी तक पहुँच गया, डी से डी को कनेक्ट करके ई तक पहुँच गया, तो इसके बीच में एक सिंबल आया, फिर से अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो पहले नोट के बारे में याद करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा, तो वही सिंबल बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन ही निकल के आएगा, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कुल मिला के देखेंगे तो दोनों हमारे एग्जांपल राइट हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलोज, आर ट्रू या तो फॉलोज, जो भी रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे भी वही काम, कुछ एक्स्ट्रा दूसरा काम नहीं करना है,
मैंने वही बताया है कि सबसे पहला मेरा ध्यान जाएगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन को देख के मैं देखूंगा कि आर से टी जाना है ना, और आते वक्त क्या लेके आना है, इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। ठीक है, इक्वल्स टू तो कोई भी कंपैरिजन में आता ही नहीं है, तो मैं सीधी सी बात करूंगा कि इसको मैं रॉन्ग ही कर सकता हूँ। बराबर है, आर से टी का मैं रॉन्ग ही कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अब इसमें कंपैरिजन करके भी देखेंगे तो रॉन्ग ही आएगा, क्योंकि इक्वल्स टू हम लोगों ने तीन नोट में से, मैंने बताया कि जब भी कुछ भी राइट होगा तो तीन नोट फिर रहेगा, तीन नोट में इक्वल्स टू कहीं भी आउटपुट नहीं आने वाला है। सेम एज इट इज यहाँ आता है, एस से क्यू जाना है, आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो यहाँ से एक ब्रेक है, यहाँ से एक ब्रेक है, तो एस से क्यू जाने के लिए मेरे पास एक ही एस है, और क्यू के पास पहुंचने के लिए मेरे को डब्ल्यू के थ्रू जा सकता है या तो मैं आर के थ्रू जा सकता हूँ। तो मैं पहले जाऊंगा एस से टी, ठीक है, टी से टी को कनेक्ट, फिर टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू को कनेक्ट, डब्ल्यू से मेरे को पूछ रहा था क्यू। क्लियर हो रहा है? अब देखो, दूसरा काम मेरा ये था कि सीधा है कि उल्टा है, तो मैं तीनों बार उल्टा ही जा रहा हूं। अब इसमें दोनों तरीके चलेंगे। अब हर बार अगर उल्टा जा रहा है तो या तो पहले कंपैरिजन कर लो सबका, जो भी आउटपुट निकल के आएगा उसको उल्टा कर दो, या तो पहले सभी सिंबल को उल्टा कर दो फिर आउटपुट निकालो, तो दोनों में एक ही आंसर आने वाला है, दोनों करके देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने तरीका सिखाया है कि अगर उल्टा जा रहे हैं तो साइन चेंज करना ही पड़ेगा, तो इसमें देखो क्या निकल के आएगा, उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन बन जाएगा, इक्वल्स टू का कुछ भी नहीं होता है तो इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे डब्ल्यू से क्यू जब जाने वाला है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये सॉरी उल्टा करना ही नहीं, ये हो जाएगा। अब तीसरा काम कौन सा है? फिर कंपैरिजन का काम है, इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर दूसरा नोट याद करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा, तो मतलब ग्रेटर देन निकल गया। फिर इनका कंपैरिजन होगा दोनों का, तो इसके लिए मेरे को पहला नोट याद करना पड़ेगा, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो वही सिंबल बाहर निकल के आएगा, तो आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आया, यही निकल के आया है क्या, यहाँ पे है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। तो ये मेरा तरीका था, मेरा तरीका इन द सेंस, ये सभी का तरीका मीन्स जो मैंने जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तीनों बार जब उल्टा गए तो हम लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, कि जरूरी नहीं था कि पहले साइन चेंज करके हम लोग बाद में कंपैरिजन करें। तो मैं पहले भी अगर ऐसा कर लेता कि दोनों का कंपैरिजन कर लेता तो मेरे को पता था यही आने वाला है, फिर इसको लेके आगे बढ़ता, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो यही आने वाला है, फिर इसका अगर साइन चेंज करेंगे तो यही आने वाला है। देखो दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, मतलब ये कब होगा, जब तीनों चारों बार हम लोग उल्टा आ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि उल्टा रहेगा तभी साइन चेंज करना है, सीधा रहेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से वही काम करना है हम लोगों को, सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए हमारा कंक्लूजन के ऊपर, ये रहा हमारा कंक्लूजन। तो ठीक है, मेरे को यहाँ क्या करना है, ए से लेके ई तक जाना है, और आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। अब यहाँ पे एक ब्रेक है, यहाँ पे एक ब्रेक है, ठीक है। अब ए से ई जाना है तो ए मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, ए मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है। मैंने बताया कि जब भी फर्स्ट एलिमेंट दो बार दिखते हैं तो हम लोग दूसरे एलिमेंट पे ध्यान देंगे, ई की तरफ ध्यान देंगे। तो ई के तरफ पहुंचने के लिए हम लोग कौन सा तरीका है, तो ई को या तो मैं डी के थ्रू पहुंच सकता हूँ या तो मैं बी के थ्रू पहुंच सकता हूँ। तो अब मेरे को इस ए को अगर देखेंगे तो ए से एफ लूंगा, तो एफ से एफ कुछ कनेक्ट हो ही नहीं रहा, ई से पहुंच ई पहुंच ही नहीं सकते एफ से, फिर मैं जी तक भी आया तब भी मैं ई नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए वो वाला ए तो कैंसिल आउट हो गया सीधा। अब हमें लेना पड़ेगा यही वाला ए, तो यहाँ पे अगर लेते हैं हम लोग तो ए से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बी, फिर बी से बी को कनेक्ट करना पड़ेगा, बी से डी एंड डी से ई, क्योंकि सेम डब्बे में। अब तीनों बार जाते समय दूसरा काम हमारा ये है कि उल्टा है कि सीधा है, तो तीनों बार जाते समय हम लोग सीधा ही जा रहे हैं, तो सीधा जा रहे हैं तो हम लोग इसमें डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे, कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो अब बोलने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर मैं वो बोल देता हूँ कि जब भी किसी भी सिम्बॉल का कंपेरिजन अपने आप से होगा तो वही सिम्बॉल बाहर निकल के आएगा, तो वही सिम्बॉल निकल के आया, उसके बाद में इन दोनों का कंपेरिजन होगा तो फिर से वही ध्यान में रखना पड़ेगा। नोट वन, यहाँ पे है क्या, नहीं अच्छा यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं आता हूँ, मैं नेक्स्ट इस पे वही काम करना है, एफ से लेके कहाँ जाना है, डी जाना है, आते वक्त क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो फिर वही काम, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है, एफ से डी कैसे जाएंगे, तो एफ दो बार दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे, एक ही बार दिख रहे,
या तो मैं एफ से जी जा सकता हूँ या तो एफ से ए आ सकता हूँ। तो अब मैं जी जाऊँ कि ए जाऊँ, ये कंफर्म करने के लिए मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि डी से मैं कौन से थ्रू पूछ सकता हूँ। डी को पास पूछने के लिए दो तरीके, या तो मैं ई से पूछूंगा या तो मैं बी से पूछूंगा। क्लियर है? तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि अच्छा एफ है ना, तो एफ से मुझे ए जाना पड़ेगा, ठीक है। ए से ए को कनेक्ट करना पड़ेगा, ए से मेरे को बी जाना पड़ेगा, बी से बी को कनेक्ट करना पड़ेगा और बी से फिर मेरे को ई जाना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, कोई बात नहीं, यही बात ध्यान रखेंगे। दूसरा पार्ट कि सीधा जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, उल्टा जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे साइन होगा ग्रेटर देन का, क्योंकि उल्टा जा रहा है, और यहाँ पे भी और का उल्टा जा रहा है, और कहीं भी उल्टा नहीं जा रहा है, एक ही जगह उल्टा जा रहा है। आगे सीधा कंपैरिजन होगा, तो पहला कंपैरिजन इनका और इनके साथ होगा क्या? नहीं, पहला कंपैरिजन किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीक्वेंस से जा रहे तो सीक्वेंस से जाते हैं। पहला कंपैरिजन इन दोनों का होगा, तो इन दोनों का कंपैरिजन के लिए हमारे पास पहला नोट याद करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। निकल के क्या आया, यही सिंबल बाहर निकल के आया, ठीक है। इसको लेके आगे बढ़ा, फिर मैंने बी से बी को कनेक्ट किया और बी से डी गया, तो फिर मैं इनका कंपैरिजन होगा, फिर से फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर से मेरे पास आउटपुट पे यही निकल के आया, इसको लेके आगे बढ़ा मैं, फिर ये सिंबल आया, फिर से फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा। आउटपुट पे मेरे पास क्या निकल के आया, ग्रेटर देन ही निकल के आया, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही है। तो पहला भी ट्रू था, सेकंड भी ट्रू था, इसलिए आंसर क्या आया, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। क्लियर हो रहा है? उम्मीद करते हो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फाइव एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं, मैं फिर फाइव एग्जाम्पल आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करिए और नीचे कमेंट में आप आंसर कर सकते हो। ये आपका होमवर्क नंबर वन है, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क वन, नेक्स्ट क्लास जब करेंगे, है ना, नेक्स्ट सेशन जब होगा तो मैं इस होमवर्क के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा, होमवर्क वन। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, ये रहा होमवर्क टू। क्लियर हो रहा है? अच्छा, सेकेंड होमवर्क है। अब ये एलिमेंट कुछ भी चेंज हो सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे ए से ए कनेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे नाइन से नाइन होगा, एट से एट होगा, टेन से टेन होगा, चेंज नहीं है, बाकी वही चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। फिर ये रहा होमवर्क थ्री, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, मैं बीच में आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये रहा आपके सामने होमवर्क फोर, और उसके बाद में ये रहा आपके सामने होमवर्क फाइव। तो मैंने फाइव एग्जाम्पल लिए हैं और पांच एग्जाम होमवर्क भी आपको दिए हैं, तो फिर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको फिर से एक बार समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने देखा था कि इनइक्विलिटी का मतलब क्या होता है, तो इनइक्विलिटी का मतलब होता है असमानता, और वो असमानता हम लोगों ने किससे पता किया था, तो उससे हम लोगों ने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, ठीक है। वो कंपैरिजन किस तरीके के हो सकते हैं, तो मैंने वो भी बताया कि डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल होते हैं, टोटल सिक्स सिंबल होते हैं। डेफिनेट सिंबल कौन से, तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, एंड इनडेफिनेट सिंबल कौन से, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, एंड नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि ये जो कंपैरिजन 14 कंपैरिजन थे, इसको ध्यान रखने के लिए हम लोगों को वो तीन नोट्स भी ध्यान रखना जरूरी था, जिसमें पहला नोट था ये रहा आपके सामने कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। इसके एग्जाम्पल भी आपके नीचे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नोट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा, उसके भी एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे। उसके बाद में थर्ड नोट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। उसके बाद में हम लोग आए थे क्वेश्चंस के बारे में, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन से एग्जाम्पल्स है, वो तो ऑलरेडी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, तो कंक्लूजन पे जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन पे जब ध्यान जाएगा उसके बाद में मेरा, मैंने ये भी तरीका भी बताया कि मेरे को यहाँ क्या करना है, जैसे बी जाना है और आते हो क्या लेके आना है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। तो पहले हम लोग जर्नी करेंगे, पहुँच जाएंगे वहाँ पे, पहुँचने के बाद कहाँ उल्टा गए कहाँ सीधा गए ये भी देखेंगे, जहाँ पे उल्टा गए वहाँ पे साइन चेंज करेंगे, और उसके बाद में ये तीन नोट्स का सहारा लेके हम लोग उनका कंपैरिजन करेंगे। आउटपुट जो भी लेके आएंगे, अगर कंक्लूजन में वही आउटपुट रहा तो आंसर सही है, अगर कंक्लूजन में आउटपुट नहीं रहा तो आंसर गलत रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ भी गया होगा।
तो अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, किसी चैप्टर के आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा जुड़ते रहिएगा। नमस्कार।